का डाटा उसके अंदर आने वाला है, उन सबका एक अकाउंट होगा पर्टिकुलरली, और वो अकाउंट्स उसके अंदर अपने आप ही उसको अपना अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इंडस्ट्रीज के लोग को इसके में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको इस जॉब पोर्टल के थ्रू आज फ्री लिस्टिंग है 6 महीने तक। और चार्टर्ड अकाउंट जो इंडस्ट्रीज को जो भी पोस्ट करनी है वो उसके पोर्टल पे अंदर पोस्ट कर सकता है, और उसको कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। और उसको जो भी प्रोफाइल चाहिए, किसी को मान लो 3 साल की चाहिए, किसी को 6 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को टैक्सेशन में चाहिए, किसी को अलग अलग कमेटी में कोई भी कीवर्ड में चाहिए, उसको उस चीज़ में बेनिफिट होगा। और उसको बेनिफिट उस चीज़ को इंडस्ट्रीज को होगा, इंडस्ट्रीज को राइट टाइम पे राइट पीपल राइट जॉब के लिए मिलेगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अलग बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी मांग बढ़ रही है, डिमांड और बढ़ जाएगी। आज 5 लाख रुपये वो मिलता है, किसी को 7 लाख मिलेंगे, 7 लाख मिलते हैं तो 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिले तो 15 लाख मिलेंगे। उससे द क्रेट ऑफ द डिमांड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंक्रीज होने वाली है और इंडस्ट्रीज की भी उसको एक एफिशिएंसी मिलने वाली। तो दोनों तरह से इंडस्ट्रीज को भी और मेंबर्स को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत फायदा होने वाला है। और ये जो पोर्टल है वो विश्व में सबसे बेस्ट पोर्टल है। आप कोई भी पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल निकाल दीजिए, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर इसके अंदर डाले गए हैं। तो ये जॉब पोर्टल अपने आप में यूनिक नया और ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए किया गया है। ओके सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन बता रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आप देखोगे तो एक बहुत रेयरेस्ट कम्युनिटी है, क्योंकि पूरे भारत में आज सिर्फ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो एक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिलेवेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे होते हैं लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो ये जॉब पोर्टल हम आज जो शुरू कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा कि जिस जो कंपनी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया टैलेंट उनको मिल सकता है, और ये बहुत एक अच्छा कदम है। ओके सर, दिस प्रोफेशन में तो कई सारे लोग हाफ में आईपीसीसी भी करते हैं और दे लेफ्ट देम, उनके लिए ये पोर्टल हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। इसमें हमने प्रोविजन किया है, हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट में उनको पहले ATS बोलते थे, अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स, लेकिन 2 साल पहले हमने इसका कोर्स का नाम चेंज करके बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट रखा, BBA। और उसकी भी हमने इसमें प्रोविजन की है कि समय आने पर इसको हम अपडेट करके, हमारे पास जब डाटा पूरा मजबूत हो जाएगा, हमारे जो BBA के पूरे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, हम उनको प्रिपेयर इसके अंदर डालेंगे। तो हमारा पूरा प्रोविजन है, फ्यूचर में आने में हम इसको पूरा सहित करेंगे कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रह गए हैं उनको BBA डिग्री मिले, जॉब मिले इस पोर्टल के द्वारा। ओके सर, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट हाउसेस? Can you tell us about regarding that also? आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि जस्ट 3 दिन हुए हैं अनाउंस किए हुए, और 3 दिन में अभी सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं हुआ, हमने ये बोला कि 1 सितंबर से लाइव होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने चालू कर दिया और 3 दिन के अंदर 80 कंपनीज उन्होंने एनरोल कर दी, वैकेंसी पोस्टअप कर दी। और जो मेम्बर्स ने 1,55,000 जो मेम्बर्स है उसमें से 926 मेम्बर्स उन्होंने अपना प्रोफाइल को अपडेट भी कर दिया। तो आप 3 दिन में अंदाजा लगाइए, 3 दिन में इतना बड़ा डाटा क्रिएशन और डाटा फैसिलिटी प्रोवाइडेशन इस क्षेत्र में हुआ है। तो आप देखिए कि 1-2 महीने में ये कितना बड़ा पोर्टल बनने वाला है। ओके रवि सर, आपने इनॉग्रेशन किया यहाँ पर कई सारे अवार्ड्स के और साथ ही साथ SME के GST के रिलेटेड में, तो क्या कहना चाहेंगे? द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? See, actually providing a job and giving a CFO, a chartered accountant, a platform, a respected platform देना एक इतनी अद्भुत बात है। मैं कितना डिलवाल जी आपकी बातों से I've learned so much because not me but entire India, और आज मैं सुन के भी शॉक हूँ कि खाली 3 लाख 125 करोड़ की आबादी में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कितने लोगों को, जैसे मेरे CA ने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत बचाया है। वट एवर आई वर्न हार्ड अर्न मनी आर टूडे आई एम सेफ सिक्योर बिकॉज ऑफ माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेदर इज मिस्टर बच्चन और मिस्टर एनी बडी। और आज ये यहाँ आके मैं आपको धन्यवाद देता हूँ काबरा जी को कि गुड आई केम योर धीरज जी को, मैं कि मुझे आज इतनी सारी अवेयरनेस हुई। और आज ये प्रोफेशन आप ये भी देखिए ना, पीयूष गोयल जी भी बनाता है और प्रभु जी को भी बनाता है। ये प्रोफेशन आज ये हिंदुस्तान की कितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, मतलब दिस जॉब ऑन योर एजुकेशन एंड द बेस्ट पार्ट धीरज जी,
विच आई गॉट टू नो, मैंने थोड़ा आने के टाइम भी कहा था कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ आपको अपनी पढ़ाई से पहुँचना है, ये वो जॉब है जहाँ पर आपकी ईमानदारी, अब अगर आप किसी के भी बेटे हो कोई सिफारिश नहीं चलती, आप अपने हक से मेहनत से पढ़ के आप एक देहात के गांव के लड़के भी हो या शहर के हो, एनी बडी कैन कम एंड, और यह होटल आपने जो शुरू किया उसके लिए आपको इतना सारा आशीर्वाद और दुआएं मिलेगी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑल द न्यू कमर्स यू नो, जिनको दे वॉन्ट टू लुक नाउ आपने गुड न्यूज दी। आई एम वेरी हैप्पी कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो ये पूरी टीम को साधुवाद है इनकी। So one last question, many students having a lack of communication in the chartered accountancy professional, what kind of you are doing for to improve the communication skill of the students? Very right question, but aapko ek baat sunna padega, everyone has said in the startup summit also, Kishor Biyani ji aaye the, Kishor Biyani ji bole ki 900 chartered accountant unki future company mein hai, aur har level pe aur har jo business head hai, har business head chartered accountant hai. उन्होंने ये बात मेंशन की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर देन द एमबीए, उनको नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छी आती है, बिजनेस बहुत अच्छी आती है, कॉमर्शियल नॉलेज बहुत अच्छी आती है, और इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस भी बहुत कर सकता है, वो सीईओ बन रहा है और बिजनेस हेड भी बन रहा है, तो स्टार्टअप कर सकता है। प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब ऐप and never miss another update. Wow.